मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में शख्स आया, दौड़ता हुआ आया, भाल उड़े हुए हैं, परेशान है। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या हुआ तुझे? या रसूलल्लाह, सुबह से मेरा बेटा गुम है, उसकी माँ का बुरा हाल है, रो रो कर, माँ के जिगर का पारा होता है बेटा, या रसूलल्लाह मिल नहीं रहा, परेशान। यही अकीदा अहले सुन्नत का है, परेशानी आ जाए तो महबूब के दर पे जाते हैं, क्योंकि सिहाबा पर जब परेशानी आती वो दरे मुस्तफा पे आते, या रसूल अल्लाह परेशान हूं, मेरे आका सब परेशानियों का हल अता फरमाते हैं। वहीं एक शख्स आया, अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, इसका बेटा फलां बाग में खेल रहा है। अब उसने ये बात सुनी तो दौड़ पड़ा, हजूर ने फरमाया, इधर आओ, मेरी बात सुनो, इतनी जल्दी भी क्या है, आका बेटा है ना, उसकी मोहब्बत इतनी ज्यादा है, उसकी मां सुबह से रो रही है, उसका बुरा हाल है, चाहता हूं जल्दी उसे उठाकर उसकी मां से उसे मिला दो। यार्सला हुक्म फरमाया, जाना है ना, वहां बच्चे और भी खेल रहे होंगे, तो उसे बेटा कहकर नहीं बुलाना, उसका नाम लेकर बुलाना है। यार्सला, बेटा ही तो है, बेटा ही कहूंगा और क्या कहूं। फरमाया, नहीं मेरे गुलाम, उन खेलने वाले बच्चों में शायद कोई यतीम बच्चा भी हो, तू उसे बेटा कहकर बुलाए, वो यतीम तड़प जाएगा, क्या काश मेरा बाप होता, मुझे बेटा कहकर बुलाता। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने यतीमों का इतना ख्याल फरमाया कि किसी यतीम का इस वजह से भी दिल ना दुखे,